बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं काम करना चाहता हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आती मैं कहाँ से शुरू करूँ। मैं दूसरी फसलें लगा लगा के तंग आ चुका हूँ और अब मैं सब्जियों की फार्मिंग की तरफ आना चाहता हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मैं कौन सी सब्जी से शुरुआत करूँ। हम लोगों के दिलों के अंदर एक डर होता है नाकामी का, लोगों की बातों का, और इस चीज़ का कि यार अगर इस दफ़ा गिरा, अगर इस दफ़ा नुकसान किया तो दोबारा कभी भी उठ नहीं सकूंगा। और यकीन करें कि ये जो डर है, नाकामी का डर, हमें जो काम करने से रोकता है ये हमारी सलाहियतों को खा जाता है। जब भी कोई बंदा किसी कारोबार की शुरुआत करता है तो लोग दो तरह के होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो किसी कारोबार के बारे में कैलकुलेशंस करते हैं, थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल नहीं होता, बहुत सारी उम्मीदें लगा के उस कारोबार के अंदर आते हैं, और जब वो उस कारोबार के अंदर एंटर होते हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल के साथ जुड़ती है तो बहुत सारी उम्मीदें टूटती हैं। ऐसे में वो बंदा अगर अपनी उम्मीदों को कम करके, कंप्रोमाइज़ करके उस कारोबार के अंदर आगे चला जाता है तो कामयाब हो जाता है, वरना उम्मीदों के टूटने के साथ साथ वो बंदा भी ख़त्म हो जाता है। और दूसरी किस्म के वो लोग होते हैं जो किसी कारोबार के बारे में बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। उन्होंने कर्ज़ा उठाया हुआ होता है, वालदैन की तरफ से ये वार्निंग होती है कि इस दफ़ा नाकाम हुए तो दोबारा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डर डर के उस काम के अंदर दाखिल होते हैं। लेकिन जब वो लोग दाखिल हो जाते हैं और अपनी 100% कोशिश करते हैं, पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं, तो अल्लाह ताला उनका डर ख़त्म कर देता है और वो उस कारोबार के अंदर एक चीज़ की तलाश के अंदर आए थे उनको हज़ार चीज़ें मिल जाती। तो मैं उन लोगों को समझाना चाहता हूँ, तो ये वो टाइम है जब ज़मीनों के ठेके वगैरह मिल रहे हैं, लोग गर्मी की सब्ज़ियाँ काश्त कर रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों के दिल के अंदर सवाल होता है कि यार मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस सब्ज़ी को लगाऊं तो मुझे ज़्यादा मुनाफा होगा और क्या करूं कि मैं किसी तरह से भी नुकसान से बच सकूं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, दुनिया का कोई भी इंसान आपको गारंटी नहीं दे सकता, बड़े से बड़ा स्कॉलर आपको ये वो टेक्निक नहीं बता सकता जिससे आप 100% कामयाबी हासिल कर सकें और 100% नाकामी से बच सकें। एक रास्ता है, बस अच्छी तरह से सिलेक्शन करके, किसी अच्छी क्रॉप की सिलेक्शन करके, किसी अच्छी फसल की सिलेक्शन करके एक दफ़ा उस काम के अंदर एंटर हो जाएं। जब एंटर होंगे तो जो मसाइल आएं उनको अच्छे तरीके से हल करने की कोशिश करें। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मसाइल नहीं आएंगे, मसाइल ज़रूर आएंगे, आपने उनको अच्छे तरीके से हल करना है। मैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देना चाहता हूँ कि इस वक्त जो लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें किस सब्ज़ी से शुरुआत करनी चाहिए, तो एक कम इन्वेस्टमेंट के साथ, कम वक्त के साथ, जिसमें आपको पता चल जाए कि नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर, वो फसल टिंडी की फसल है, अगर आप उसके ज़रिए से शुरुआत करते हैं तो ये बहुत ही कम दौरानिए की फसल है। अभी लगेगी, अप्रैल के अंदर ख़त्म हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा आपने कितना कमाया और कितना नुकसान किया। तो इस मैं एक मज़ेदार बात भी आपको बताना चाहूँगा कि क्योंकि मैं अपने वाले साहब के सामने काफ़ी लोगों को मशवरा दिया कि टिंडी लगा लो, शॉर्ट टाइम की फसल है, कम इन्वेस्टमेंट की फसल है, तो वाले साहब कहते हैं कि हर बंदे को टिंडी का मशवरा ना दिया जाए कर, तो ये नहीं पता कि इस बार टिंडी कितनी ज़्यादा लग रही है। तो मैंने उनसे सवाल किया कि अगर टिंडी इतनी ज़्यादा लग रही है और आपको पता है कि नुकसान होगा तो आप क्यों लगा रहे हैं? तो हम खुद बहुत ज़्यादा टिंडी लगा रहे हैं, दूसरों को मशवरा ना देंगे टिंडी ना लगाएं तो क्यों? अच्छा, वहाँ पे आके वाले साहब चुप हो गए और उनके चुप होने की एक रीज़न थी। वो रीज़न ये थी कि हम लोगों ने टिंडी के फ़ायदे देखे हुए हैं, हमने इसके नुकसान भी देखे हुए हैं। हमने ये देखा है कि हो सकता है 1 साल 2 साल आपको नुकसान हो जाए, लेकिन अगर अच्छी क्रॉप हो, आपकी अच्छी फसल हो तो नुकसान नहीं भी होता, लेकिन जब फ़ायदा होने के ऊपर आता है ना तो पिछले सारे के सारे नुकसान कवर हो जाते हैं। आलू का ग्रोवर 5 साल से मार खा रहा है, उसके बावजूद आलू लगा रहा है। हम खुद, हमारी मेन क्रॉप आलू होता है, मतलब मैं क्या बताऊं कि पिछले सालों में क्या नुकसान हुए, लेकिन हम हर साल आलू लगाते हैं और इस साल आलू का सीज़न इतना अच्छा जा रहा है कि एक दोस्त मेरे पास आया, उनका मदर साहब तुसी मेरे नाल ज्यादती कीती है, मैनू आलू नहीं लवाया। मैं कहा जी आलू इस साल महंगा हो गया तो तुहानू आलू लाने का ख्याल आया, 5 साल तुहानू भी ख्याल कोई नहीं आया। तो मतलब नफ़ा और नुकसान को छोड़ के एक साइड के ऊपर करके हम लोग सिर्फ कारोबार करते हैं। हम लोग कंटिन्यूसली मुसलसल एक तसलसल के साथ जिन फसलों के ऊपर चल रहे हैं और हमें भरोसा है कि अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो नुकसान नहीं होगा, हम उन फसलों को लगाते जा रहे हैं, प्रॉफिट आ जाता है, नुकसान आ जाता है, और ये हर कारोबार में होता है। किराने की दुकान खोल लेंगे, नुकसान नहीं होता, रेडी लगा लेंगे, नुकसान नहीं होता, स्टील मिल्स लगती हैं, लग के बंद हो जाती हैं, करोड़ों रुपया होटल्स के ऊपर लगता है, रेस्टोरेंट्स के ऊपर लगता है, 2 महीने 4 महीने करोड़ों का लॉस करके वो लोग दिवालिया हो जाते हैं, हर जगह पे होता है। तो आप अगर सोचेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सोचते रह जाएंगे। अगर शुरू करना चाहते हैं तो एक कदम उठाएं, उस काम के अंदर एंटर हों और 100% दें अपना।
अगर 100% देंगे और एक तसलसल के साथ लगे रहेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। पाकिस्तान की 70% आबादी ज़राअत के साथ नस्लों से जुड़ी हुई है और एक सिलसिला चला आ रहा है, दादा परदादा और अब पोता भी जो है वो ज़राअत के साथ जुड़ा हुआ है। वो लोग सारे के सारे लोग रात को रोटी खा के सोते हैं, दिन के अंदर चाहे वो महंगाई का रोना रोते हों लेकिन रात को रोटी खा के सोते हैं, भूखा कोई भी नहीं सोता। एक बाबा जी की मैं वीडियो देख रहा था, आप लोगों ने भी शायद देखी हो, कि वो बता रहे थे कि यार 14 अगस्त को जब हम अपने कमीज़ों के ऊपर वो परचम टांगते थे ना, तो कांटे के साथ टांगते होते थे, हमारे पास ये कॉमन पिन्ने नहीं होती थी। आज तुम लोग 3-3, 4-4 हज़ार, 7-7 हज़ार की जैकेटें पहन के फिरते हो, बिल्डिंगों में रहते हो और नाशुक्री करते हो। तो हम लोग सिर्फ नाशुक्री के आदि हो चुके हैं, वरना रात को रोटी सारी खा के सोते हैं। दूसरी वजह यह है कि हम लोग डरते हैं अपने स्टेटस से नीचे आने पे। गाड़ी वाला इस बात से डरता है कि यार मेरे हालात इतने ख़राब ना हो जाएं कि मुझे मोटरसाइकिल के ऊपर सफ़र करना पड़ जाए। मोटरसाइकिल वाला डरता है कि यार मुझे कहीं पर साइकिल पर सफ़र करना ना पड़ जाए, और साइकिल वाला पैदल चलने से डरता है। तो हम लोग जब तक इस चीज़ के ऊपर तैयार नहीं होंगे कि यार अगर मुझे नुकसान हो जाता है तो मैं सीखते हुए नुकसान किया और मैं अपने लेवल से नीचे आने को तैयार हूँ, मैं रेडी लगाने को तैयार हूँ, मैं जूते पॉलिश करने को तैयार हूँ, तो आप लोग कामयाब नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग उस लेवल के ऊपर आ जाएंगे, मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों को अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करना चाहिए। तो आप जो भी फसल लगाना चाहते हैं आप एक कदम उठाएं, आपको जो फसल अच्छी लगती है, खाने में अच्छी लगती है, आपको करेला पसंद है खाने में, करेला लगा लो, कुछ नहीं होगा यार, करेला तो खूब मजे करके खाओगे ना, तो जो अच्छा लगता है वो लगाओ, लगाओ ज़रूर, हिम्मत करो। ये वो टाइम है, ये वो बेस्ट टाइम है जब आपको फसलों के ज़रिए से शुरुआत कर देनी चाहिए। नुकसान होगा, मेहनत करोगे तो नुकसान को पूरा भी कर लोगे। उम्मीद है मेरी वीडियो से आपको कुछ हौसला मिला होगा, कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी। अगर मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल आईआर फार्म को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़र अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।